बहुत आएगा। हाँ जी, तो आज जो हमारे कॉन्सेप्ट्स होंगे, हम अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं एंड साथ साथ अपने क्वेश्चन लिखना शुरू कर देना है। ओके, देखिए, x, y एंड z आर पार्टनर्स, लिखना शुरू कर दे प्लीज, आर पार्टनर्स इन 5-3-2, 5-3-2 इनका रेशियो। द प्रॉफिट्स अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर, द नेट प्रॉफिट, ठीक है, मैंने नेट प्रॉफिट लिखा है, ड्यूरिंग द ईयर रुपीज 5,40,000। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दी फॉलोइंग। ये मेरे को छोटा छोटा इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि मुझे सॉल्व करने के लिए स्पेस है और मैं क्वेश्चन रन नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। इसके बाद विजिबिलिटी ठीक होने दीजिए प्लीज, आप बता देना कोई दिक्कत आए तो। हाँ जी, इसके बाद पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दी फॉलोइंग, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टू बी चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम थर्ड। X has advanced a loan of rupees 2 lakh to the firm on 1st of October 2018. Salary to Y, that is 10,000 per quarter. Salary to Z is 20,000 per annum. 10% of divisible profits to be transferred to general reserves. ये क्वेश्चन आपकी नॉलेज को बहुत अच्छे से बढ़ाएगा, ठीक है, और ये क्योंकि बुक का नहीं है, इसमें मैं आपके साथ वो बात करने वाला हूँ जो जरूरी है आपके लिए, ठीक है, जिससे आप चीजें जल्दी सीख जाए। उसके बाद सिक्स्थ, Partners capital on 1st of April 2018. X 2 lakh, Y 2 lakh, Z 1 lakh. Drawings during the year, X 50,000, Y 50,000, Z 1 lakh. ठीक है, फिफ्थ पॉइंट बताना सर। हाँ, फिफ्थ पॉइंट, एक मिनट बता रहा हूं। फिफ्थ पॉइंट इज 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स इज टू बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। समझाऊंगा ये मैं आपको, अभी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, ठीक है। सेकंड लास्ट वाले की एक बार अमाउंट बताना सारी। हाँ बेटा, बता रहा हूँ, सेकंड लास्ट वाले का अमाउंट है 2 लाख, 2 लाख, 1 लाख।
ये देखिए, अब हमारा यहाँ पे टारगेट क्या है, शो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है, ये बनाना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ने बोल दिया कैपिटल अकाउंट बनाना, मतलब कैपिटल फिक्स होंगी या फ्लक्चुएटिंग, आपको क्या लगता है? क्लियर नहीं आ रही स्क्रीन आपकी, क्लियर नहीं आ रही बेटा? नहीं, कौन, करिश्मा, सृष्टि? सृष्टि बेटा, सृष्टि क्या क्लियर नहीं आ रहा आपको, आप एक बार बताइए मुझे कौन सा पॉइंट आपने पढ़ना है? सर स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही है, अब आप लिखोगे ना? स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही आपके, यहाँ नेटवर्क इश्यूज है क्योंकि यहाँ पे मैंने दो जगह कनेक्ट करा हुआ है, यहाँ स्क्रीन क्लियर है, अब ठीक है? हाँ सर, कुछ करा भी है आपने क्या? क्या लगता है करा मैंने क्या? हाँ थोड़ा सा कैमरा आगे, कितने क्वार्टर होते हैं? चार क्वार्टर होते हैं, तो हमने एक्स वाई को जो सैलरी देनी है 10,000 रुपए पर क्वार्टर देनी है, जेड को हमने 20,000 पर एनम देनी है, साल की 20,000, 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। ये वर्ड आपको समझ नहीं आएगा, डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है बेटा? डिविजिबल जो बांटने लायक है, जो बच जाए, जो बचे हुए प्रॉफिट है उसका 10% आपने रिजर्व में डालना है जो बच जाए, ठीक है? कैपिटल हमें दे दी 2,00,000, 2,00,000, 1,00,000 और ड्रॉइंग दे दी 50,50,1,00,000, ठीक है? अब मैं इससे क्या करने वाला हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने वाला हूँ। हाँ बेटा, पांच मिनट में आया, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट आप देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहला तरीका क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाने का, यहाँ पे हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं। सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है? याद रहे नेट प्रॉफिट का मतलब है सारे खर्चे माइनस हो चुके हैं, ठीक है? अब यहाँ पर देखो, ये एक खर्चा है इंटरेस्ट ऑन लोन, ये अप्रोप्रिएशन नहीं है। कितने बच्चों को मेरी ये बात समझ आ गई है कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है खर्चा है, अप्रोप्रिएशन नहीं है? फटाफट बताओ, इंटरेस्ट ऑन लोन हमें देना ही पड़ेगा चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, ठीक है? तो ये खर्चों में आ जाता है, ये हमारा अप्रोप्रिएशन नहीं है। क्लियर है ये बात? किसी को इस बात में डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो ये खर्चा हमें देना ही देना होगा, तो मतलब ये खर्चा हमें पे करना ही करना है। और याद रहे क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, व्हाट नेट प्रॉफिट मींस, सारे खर्चे पे हो चुके हैं, इसका मतलब ये वाला इंटरेस्ट वाला खर्चा पे ऑलरेडी हो चुका है। क्लियर है बात? ये भी इंटरेस्ट पे हो चुका है क्योंकि वर्ड दिया हुआ है नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट मींस सारे खर्चे पे हो चुके हैं। तो ये वाला पॉइंट जो है सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए, इसका करना नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ सिर्फ प्रॉफिट वर्ड दिया होता, नेट प्रॉफिट ना लिखा होता, क्वेश्चन कंफ्यूज करता, प्रॉफिट बता देता, तो आप ये इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करते, क्योंकि उसका मतलब क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन अभी माइनस नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि यहाँ पर नेट प्रॉफिट वर्ड दिया हुआ है, वर्ड इज नेट प्रॉफिट, इसका मतलब ये, और नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, सारे खर्चे माइनस हो चुके हैं, इसका मतलब ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन भी माइनस हो चुके, तो आपको इसको ट्रीट नहीं करना, ये ऑलरेडी गिवन है, ठीक है? तो यहाँ पर ये जो नेट प्रॉफिट है ये बिल्कुल ठीक दिया हुआ है, 5,40,000 का ये नेट प्रॉफिट यहाँ पर हम शो कर देंगे, ठीक है? इसके बाद देखिए, एक मिनट, हाँ जी, आफ्टर दैट अब हमने क्या क्या अप्रोप्रिएशन करनी, इस प्रॉफिट में से क्या क्या बांटना है, हम वो बांटना शुरू कर देंगे। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दे रहे 10%, तो पार्टनर्स के नाम क्या है, एक्स वाई एंड जेड, 10-10% इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। अब इनकी कैपिटल है 2,00,000, 2,00,000, 1,00,000, तो 2,00,000 का 10% होता है 20,000, इसको भी मिलेगा 20,000, लेकिन इसको मिलेगा 10,000, तो टोटल हमने इंटरेस्ट कितना बांट दिया, 50,000, ठीक है? होपफुली आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम आगे चलते हैं, इसके बाद हमने क्या देना, इंटरेस्ट वाला पॉइंट हमारा, अच्छा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना है पार्टनर से, ठीक है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना है, इसको मैं रेड मार्कर से लिखा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। सर इसको आपने रेड मार्कर से क्यों लिखा? क्योंकि बेटा यहाँ पर कुछ बात आपको सिखाने के लिए, ठीक है? फटाफट आप मुझे बताइए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमने कितना चार्ज करना है, 5%। एक बार फटाफट कैलकुलेट करिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, कैलकुलेट करिए फटाफट, आप फटाफट मुझे कैलकुलेट करके आंसर देने वाले हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना कैलकुलेट, कितना अमाउंट देना है हमें, 5% के साथ।
आईबी आपने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना कितना चार्ज करा, 5% चार्ज कर लिया, 2500 2500 5000, जो गलत है। पूरे साल का ब्याज लेने का अधिकार आपको किसने दिया? आपको कैसे पता कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पूरे साल का ही लेना है? ड्रॉइंग की डेट देखोगे ना कि पार्टनर जो है बिजनेस से पैसा निकाल कब रहा है, जितने टाइम के लिए उसने पैसा निकाला उतने टाइम का ही वो इंटरेस्ट पे करेगा। क्लियर है आपको ये बात, है ना भाई? सर एक बार रिपीट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जितने टाइम, एक मिनट, जितने टाइम के लिए उसने पैसा निकाला उतने टाइम का ही वो ब्याज पे करेगा। लेकिन सर इसमें तो बताया ही नहीं हो पूरे क्वेश्चन के अंदर कि कब पैसा निकाला पार्टनर ने। तो बेटा यही तो मैं कह रहा हूँ, क्वेश्चन भी नहीं बता रहा और आप अपनी मनमानी नहीं चला सकते, ठीक है? तो आपने एक सेंसिबल बात करनी है, आपने ये मानना है कि उसने कहीं बीच में मिड ऑफ द पीरियड इंटरेस्ट ड्रॉइंग्स करी है, ठीक है? और जब उसने कभी मिड ऑफ द पीरियड ड्रॉइंग करी है तो उसको इंटरेस्ट भी आधा लगेगा। क्लियर है बात? तो इंटरेस्ट भी जब उसको आधा लगेगा तो हम 50,000 का 5% और इसको कर देंगे हाफ, क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, ठीक है? सबके अंदर हाफ हो जाएगा, 50,000 का 5%। सर इस बात के नोट्स भी बनवा दो ताकि हमें याद रहे, ठीक है? अब इस बात के नोट्स भी बनवाने मैंने, क्लियर है? तो ये हो जाएगा 1250, ये भी 1250 और ये हो जाएगा 2500, ठीक है? तो मैं इसके नोट्स बनवाने से पहले आपको पहले अमाउंट लिखवा देता हूँ। एक्स का कितना आ जाएगा 1250, वाई का कितना इंटरेस्ट लेना है हमने उससे, लेना है ना ये, और ये आ जाएगा 2500। टोटल हमारा जो अमाउंट आ गया वो आ गया 5000 रुपए, ठीक है जी? अगर आपको इतना क्लियर है तो फटाफट इसकी नोटिंग करेंगे आप, और नोटिंग में क्या लिखेंगे ये मैं रब कर रहा हूं, ठीक है? ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का वर्किंग है जो मैं रब कर रहा हूं, आपको समझ आ गया होगा शायद, ठीक है? अब मैं यहाँ पे नोट्स लिख रहा हूं, आपने टॉप ऑफ द पेज लिखना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। मैंने कहा था आप दूसरे कलर का पेन यूज करेंगे, रेड और कुछ भी, और वहां पे आप नोट्स बनाएंगे। टॉप ऑफ द पेज बड़ा बड़ा लिखना है, बहुत बड़ा लिखना है ताकि आप एक अंधे को भी लिखें, ठीक है? अब देखिए, when date of drawings is not given, ठीक है? तो not given को मैंने क्या कर दिया यहां पे, हाईलाइट कर दिया। अगर डेट ऑफ ड्रॉइंग गिवन नहीं है तो चार्ज हाफ ऑफ द रेट, ठीक है, फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। आपने हाफ रेट चार्ज करना है, क्या चार्ज करना है, हाफ रेट, हाफ मतलब जो भी रेट होगा उसका आप आधा कर दोगे, ठीक है? और इसमें हमारी अजम्पशन क्या होती है, मिड ऑफ द पीरियड लेते हैं ड्रॉइंग, उसने मिड ऑफ द पीरियड करी, ठीक है? तो हाफ ऑफ रेट, ठीक है, इसको आप फॉर जगह ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कर लो, ठीक है? क्लियर है ये बात आपको, फटाफट ये नोट कर लो, हम आगे चलते हैं। कर दो, मैंने कहा कई बार क्वेरीज आई थी कि हमारे बिजनेस शुरू हुआ है 1 अक्टूबर को और साल खत्म हो रहा है 31 मार्च, तो यहाँ हमें बिजनेस शुरू करे हुए 6 महीने हुए, तो इंटरेस्ट कितने महीने का लगना चाहिए, 6 महीने का। तो उस केस में हम अमाउंट लेंगे ड्रॉइंग का, रेट लेंगे जितना भी हमने इंटरेस्ट का रेट लिया हुआ है, और उसको पीरियड से मल्टीप्लाई करेंगे, पीरियड मतलब 6/12, फिर हम उसका आधा करेंगे। तो ये भी समझ आए, चीजें समझना, चीजें लर्न करना आप चाहो, लेकिन उसको अप्लाई करने के लिए आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है, याद नहीं करना कुछ भी, समझना है कि भाई अगर बिजनेस शुरू हुए 6 महीने हुए तो हम 6 महीने का भी आधा कर देंगे। क्लियर है बात? ठीक है, अगर बिजनेस शुरू हुए 4 महीने हुए हम 4 महीने का आधा कर देंगे। ड्रॉइंग की डेट गिवन है फिर तो हमें डेट के हिसाब से लगाना है, लेकिन ड्रॉइंग की अगर डेट गिवन नहीं है तो इन दैट केस हमने आधा कर देना, जो इंटरेस्ट एक्चुअल बनता है हम उसका आधा कर देंगे, ठीक है? मैं यहां लिखवा भी देता हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू अमाउंट ड्रॉइंग्स इंटू रेट इंटू पीरियड, ठीक है? ये होता है, अगर डेट ऑफ ड्रॉइंग गिवन नहीं है तो आप इसका आधा कर देंगे, ठीक है? आधा कब करेंगे, जब आपको डेट गिवन ना हो, इफ डेट नॉट गिवन, ये कब होगा, इफ डेट इज नॉट गिवन, आपको ड्रॉइंग का पता नहीं कब हुई है, तो आप आधा आधा इंटरेस्ट लेंगे उस बंदे से,
क्या मैं आगे बढ़ूं? हाँ जी देखिए, अब बात करेंगे पार्टनर सैलरी के बारे में। पार्टनर सैलरी, ठीक है, पार्टनर सैलरी। देखो पार्टनर सैलरी में किस किस को सैलरी देंगे? वाई और जेड को। वाई को देंगे 10,000 पर क्वार्टर, साल में होते 4 क्वार्टर, तो पूरे साल की होगी 40,000। ठीक है, यहां पे मैं लिख भी देता हूँ 10,000 × 4। ओके, और Z को हमने देनी 20,000 पर एनम, तो इसको देनी टोटल 60,000। ठीक है, तो अब हमने अपने हिसाब से क्वेश्चन कवर कर लिया है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट का 10% हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना। व्हाट इज डिविजिबल प्रॉफिट? अब देखिए ये जो प्रॉफिट बच गए है ना, अब उसको हम डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। तो कितने बच गए देखो, सबसे पहले अगर हम देखें तो 540,000 + 5,000, मेरे पास जो प्रॉफिट की फिगर थी वो थी 5,45,000। इसमें से मैंने क्या क्या बांट दिया, 50 और 60, ठीक है, दैट इज 1,10,000। तो ये आ गया 4,35,000। ठीक है, तो सब कुछ बांटने के बाद जो मेरे पास बचा उसी को मैं बोलता हूँ डिविजिबल प्रॉफिट्स। ठीक है, अब इसका 10% कितना बनता है, 43,500। ठीक है, ये 43,500 मैं कहाँ ट्रांसफर कर दूंगा, जनरल रिजर्व में 43,500। ओके, तो मेरे पास प्रॉफिट कितने बचे थे, 4,35,000। इसमें से 43,500 आप कहां ट्रांसफर कर चुके हो, जनरल रिजर्व में। तो बच कितने गए, बच कितने गए, 3,91,500। ये आपके बचे हुए प्रॉफिट, तो ये आ जाएंगे यहां पर टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल। ये हम पार्टनर्स की कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, 3,91,500। अब किसको कितना मिलेगा वो आप देख लो, वो आपका काम है। X, Y और Z में बांटने, किस रेशियो में, 5, 3 और 2 में बांटने। ठीक है, क्लियर है? तो मैं फटाफट ये डिविजिबल प्रॉफिट वाला पॉइंट रब कर दूं, ये वाला पॉइंट मैं रब कर दूं, फटाफट आप नोट करो और मुझे बताओ मैं रब